हेलो फ्रेंड्स, मैजिक यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाली क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम से तो मैं बिजी था, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और कूल कार्ड ट्रिक लेकर आया हूँ। अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दूंगा। तो मेरे पास ये डेक ऑफ कार्ड्स है और मैं आपकी जगह पे यहाँ से आपके लिए कोई भी एक कार्ड रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला आप इसे देख लीजिए। इस कार्ड को मैं यहाँ बीच में रख देता हूँ और कट्स लगा के थोड़ा शफल कर देता हूँ। मैंने कार्ड्स को अच्छी तरह शफल कर दिया है, कुछ और कट्स भी दे सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ कार्ड्स को फ्लिप करूँगा पहले नीचे से और फिर ऊपर से ऐसे, जिससे सारे कार्ड्स का कट लग गया। अब देखना, पूरे कार्ड में से सिर्फ एक कार्ड उल्टा है और जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया था ये वही कार्ड होगा। तो ये थी ट्रिक, मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रिक को करते कैसे। मुझे उम्मीद आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ जाननी चाहिए, वह कार्ड कंट्रोल। तो सबसे पहले कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, मान लीजिए वाला कार्ड, और इस कार्ड को आपको टॉप पे कंट्रोल करना है। जो मैंने कंट्रोल यूज़ किया था वो आपको सिखा देता हूँ। थोड़े से कार्ड ड्रिबल करने हैं, फिर ये कार्ड रखने को कहना है, और उसके बाद जब आप ये कार्ड ड्रिबल्स करोगे तो इसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना है, जिससे आपको यहाँ पे गैप मिल जाएगा। अब जब इसे पुश करोगे तो थोड़ा सा ऊपर करके पुश करोगे, यहाँ पे आपको ब्रेक मिल जाएगा और इसे इस फिंगर से आप ब्रेक दे सकते हो ऐसे। ये ब्रेक आगे से विजिबल नहीं होता, पीछे से। इसके बाद थोड़े से ऊपर से पैकेट उठा के आपको नीचे रखने हैं और फाइनली ये वाला, जिससे उनका कार्ड टॉप पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद आपको इस कार्ड को ऊपर ही कंट्रोल करना है, आप शफल कर सकते हो लेकिन ये वाला ऊपर ही रहना चाहिए ऐसे। इसके बाद मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे ब्रेक लेना है टॉप कार्ड पे। आप इसको ऐसे हल्का सा आगे पुश करके ऐसे ब्रेक ले सकते हो, या फिर आप थंब को थोड़ा एक कार्ड को ऐसे ऊपर पुल करके तो भी ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद ये ब्रेक आपको थंब ब्रेक में ट्रांसफर करना है ऐसे। उसके बाद थोड़े से कार्ड नीचे से लेके यहाँ ऊपर शिफ्ट करने हैं और अब सारे ब्रेक के साथ, मतलब इस कार्ड के साथ, लेकिन नीचे वाले को ऐसे रोटेट करना है ऐसे। इससे क्या होगा, सारे कार्ड्स वापस ठीक हो जाएंगे लेकिन जो उनका कार्ड होगा सिर्फ वो फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे मर्जी इसको रिवील कर सकते हो, चाहे स्प्रेड कर दो, तो देखोगे सिर्फ जो कार्ड सेलेक्ट कर रखा था वही उल्टा है, बाकी सारे सीधे हो गए। तो ये थी ट्रिक, मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।